नाचने वाली नर्तकियों ने उतार दिए पूरे कपड़े और नाच देखने वाले थे सन्यासी, तीन सन्यासी और कुछ नाचने वाली नर्तकियां। टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने में। नाचने से पहले उनको अच्छे स्थान पर बैठाया गया था, बाबा लोगों को। और नर्तकियों ने पहले अपने शरीर पर सजे हुए गहनों को बारी बारी उतारा, फिर हुआ सुंदर और महंगे वस्त्रों को उतारना और फेंकना। नृत्य देखने वाला कोई और नहीं बल्कि देव जगत के जाने माने तीन सन्यासी थे। यह मौका था इंद्रासन में देवराज इंद्र के जन्म दिवस का, जहां एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। दोस्तों, सन्यासी नृत्य देख रहे थे और जो नृत्यांगनाएं हैं वह नृत्य दिखा रही थी। बड़े अच्छे गीत हो रहे थे, संगीत का भव्य कार्यक्रम उकेरा जा रहा था। बताते हैं उन दिनों तीन सन्यासियों की साधना, उनकी बौद्धिक चेतना तथा धार्मिक आभा मंडल का कोई जोड़ नहीं था। तीनों सन्यासियों की उत्तम चेतना शक्ति और बौद्धिक पराकाष्ठा से इंद्रासन भी हिल गया था। वे तीनों सन्यासी इतने तेज तर्रार थे, साधना और अपने पूजा पाठ में इतने तल्लीन थे कि पूरे भूमंडल पर उनकी साधना की चर्चा होने लगी थी। अब देवराज इंद्र हमेशा ऐसे बुद्धि धर्मा लोगों की न केवल परीक्षा लेते थे बल्कि उन्हें विविध तरीकों से परेशान भी करते थे। आपने विविध मामलों में ऐसा देखा है, इंद्र की परीक्षा। इंद्र को यह उपाय सुझा कि क्यों ना हम अपने जन्मदिन में इन सन्यासियों को बुलाकर इनकी कठिन परीक्षा लें। सबसे पहले इंद्र ने इंद्रासन की खूबसूरत उर्वशियों को बुलाया। उर्वशियों से अभिप्राय नृत्यांगनाएं, उसका एक परिष्कृत नाम है उर्वशी, और उन उर्वशियों से कहा कि हम अपने जन्मदिन में तीन सन्यासियों को बुला रहे हैं जिनकी साधना को नष्ट और उन्हें पथ भ्रष्ट करना है, क्या तुम लोग इसे कर पाओगी? सबसे खूबसूरत उर्वशी ने कहा, महाराज यह कौन सी बड़ी बात है, यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहा, यदि कोई गृहस्थ होता, कोई सैनिक होता, कोई सिपाही होता, कोई राजकुमार होता अथवा कोई राजा या फिर समाज का कोई अंग, यदि ऐसे लोग होते तो उन्हें डिगा पाना संभव हो सकता है कि संभव ना हो, हमें कुछ देर लगेगी लगती, किंतु सन्यासियों को पथभ्रष्ट करना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। महाराज इंद्र जो से कहा उन नृत्यांगनाओं ने, जो सन्यासी महिलाओं के डर से सांसारिक जीवन को जीने के भय से जंगल और पहाड़ की कंदराओं में भागे फिरा रहता है, किसी स्त्री को देखने का साहस नहीं जुटा पाता, हे महाराज भीतर से जो हमेशा डरा रहता है उसको डिगाना और पथभ्रष्ट करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। महाराज आप आश्वस्त रहें, हमें यह चुनौती स्वीकार है, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। तीनों सन्यासियों को भेज दिया गया इंद्रासन का निमंत्रण पत्र, जैसे राजभवन का जाता है और राष्ट्रपति महोदय के सचिवालय का जाता है, उस प्रकार का निमंत्रण पत्र भेज दिया गया और उन्हें इस कार्यक्रम में सर्वोच्च अतिथि के रूप में बुलाया गया। वह अवसर भी आता है, तीनों सन्यासी सज धज कर महाराज इंद्र के जन्मदिन पर इंद्रासन पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, फिर महफिल सजती है और नर्तकियों का, जिन्हें हम उर्वशी की संज्ञा दे रहे हैं, उनका जोरदार शानदार और भव्य नृत्य शुरू होता है। सभी भाव विभोर होकर नृत्य का आनंद ले रहे थे और नर्तकियां उच्चतम परिधान के साथ हीरे जवाहरात के गहनों से सजी हुई थी,
तीनों सन्यासी एक ही स्थान पर भव्यतापूर्वक बैठाए गए थे। अब आप महसूस करिए आसन कैसा रहा होगा, इंद्रासन की वह भव्यता कैसी रही होगी। तीनों सन्यासी एक ही स्थान पर, सामने गुलदस्ता और यह सारी चीज़ें, किसी भव्य कार्यक्रम का आप एहसास कर लीजिए। अब तीनों सन्यासी मंत्रमुग्ध होकर के उर्वशियों का नृत्य देखने लगे। महफिल सजी हुई थी, सभी देख रहे थे। गीत संगीत और नृत्य के कुछ समय बाद उर्वशियों ने अपने आभूषण ऐसे करके निकाला, गले का निकाला, इधर उधर का निकाला और इधर फेंका, उधर फेंका, उधर फेंका। यहां तक तो ठीक था। नृत्य की अगली कड़ी में उर्वशियों ने पहने हुए परिधान यानी कपड़ों को भी निकाल करके फेंका। एक कपड़ा निकाल के फेंक दिया, जैसे मान लीजिए हमारा यह है, इसको हमने निकाल के फेंक दिया, कपड़े कुछ और रह गए। अब जब एक कपड़ा निकाल करके फेंका गया तो थोड़ी सी अर्धनग्न अवस्था में वह दिखने लगी। एक सन्यासी घबराया और बोला, यह ठीक नहीं है। नृत्य करना अच्छी बात है, गहने उतारा यहां तक तो ठीक था, किंतु कपड़ा उतारना मर्यादा का उल्लंघन है। हम सन्यासी हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, हमारी साधना भंग होगी। साथ में बैठे हुए जो अन्य दो सन्यासी थे, उन लोगों ने कहा, उनके नृत्य का अपना तरीका है, वे नाचेंगी गाएंगी और लोग मौज करेंगे। यह महाराज इंद्र का जन्मदिन है और नृत्य की संगीता में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर भी वह घबराया सन्यासी और नहीं माना, तो दोनों सन्यासियों ने कहा, तुम अगर नहीं देख पा रहे हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। फिर सन्यासी को कुछ सूझा नहीं, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। लेकिन यह तो और भी बुरा हुआ, मन तो बड़ा मतवाला है, भीतर उमड़ घुमड़ तूफान और भी तेजी से प्रविष्ट हुआ। तूफान अपने स्वभाव पर था, मन में भीतर हलचल होने लगी, क्या और भी कपड़े उतारा होगा क्या, अभी तो तीन चार कपड़े और थे, हो सकता है एक दो और उतार दिया हो। हलचल सन्यासी के भीतर होती रही। इसी बीच नर्तकियों ने अपना दूसरा कपड़ा भी उतार कर फेंक दिया। अब अर्धनग्नता और भी दृष्टिगोचर होने लगी। दूसरा सन्यासी घबराया, उसने बड़बड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अभी तक तो ठीक था लेकिन अब यह बात ठीक नहीं है, कारण कि हम सन्यासी हैं, सन्यासियों का अपना धर्म होता है, हमने साधना किया है, हमने तपस्या किया है, हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में लगातार सचेष्ट हैं, हम ऐसा नृत्य नहीं देख सकते, हमारी तपस्या इससे भंग होगी, खबरदार बंद होना चाहिए। अब तीसरे सन्यासी ने कहा, देख भाई, इंद्रासन में इंद्र का जन्मोत्सव है, जैसा हो रहा है उसे होने दे और तुम्हें खुश होकर तुम उसे देख, तुम्हें देखना चाहिए, तुम घबरा क्यों रहा है, इसीलिए हमें आमंत्रित किया गया है। हां, यदि इसके बाद भी तू नहीं देख पा रहा है तो तू भी अपनी आंखें बंद कर ले, समारोह तो चलेगा, समारोह को कौन रोकेगा। दूसरे सन्यासी के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने पहले सन्यासी की भांति अपनी आंखें बंद कर लिया। किंतु आंखें बंद करने से होता क्या है, दोनों के भीतर लगातार हलचल होने लगी। अब तो कुछ कपड़े ही शेष होंगे, एक दो कपड़े ही और होंगे, उनके शरीर पर कुछ कपड़े शायद बचे होंगे, क्या उसे भी उतार दिया, शायद उतार दिया हो या उतारने वाली होगी। कुछ हलचल से तो ऐसा ही लग रहा है, गीत से ऐसा ही लग रहा है। तीसरा सन्यासी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य और गीत का आनंद लेता रहा। बात यही नहीं रुकी, जो शरीर के कपड़े थे उर्वशियों ने बारी बारी सब निकाल कर फेंक दिया। शरीर पर जो अंतिम वस्त्र था नृत्य करते करते उसे भी उतारा और फेंक दिया। अब शरीर पर कुछ भी नहीं था,
दोनों सन्यासियों के भीतर लगातार उथल पुथल कायम थी, किंतु तीसरा सन्यासी मंत्र मुग्ध होकर देख रहा था नृत्य और ले रहा था संगीत का आनंद। उर्वशियों के पास अब और कोई चारा नहीं था। तीसरे सन्यासी ने बोला, कुछ और निकालने को है तो उसे भी निकाल कर फेंक दे, इसके बाद भी बचा है तुम्हारे पास कुछ, निकालना कुछ और फेंक। मैं आज इस सत्य का अन्वेषण करना चाहता हूं, मैं आज उस परम सत्य को जानना चाहता हूं, मैं आज उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं कि अंत में बचता क्या है। सन्यासी ने कहा, बरसों बरसों की तपस्या जो किया था, जो साधना किया था, जो जाकर के हमने घाटी में, जो हिमालय की कंदराओं में, जो गुफाओं में जाकर के बिना खाए पिए हमने तपस्या किया था, आज लग रहा है उस तपस्या का हमारे प्रतिफल मिलने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि अंतिम में जीवन का निष्कर्ष होता क्या है, जीवन के अंत में बचता क्या है। आज वह सब कुछ देख सकूंगा जिसे देखना, जानना, समझना और भीतर तक धारण करना चाहता था। क्या शरीर के चमड़े भी निकाल कर फेंक सकती हो? यदि हां तो उसे भी फेंक दो। हे उर्वशियों, यदि शरीर के चमड़े फेंक सकती हो तो फेंक दो, और यदि अपने शरीर की अस्थियों को, एक एक अस्थियों को, अपनी आंखों को, अपनी कान को और जो भी तुम्हारे अंग हैं उन्हें भी फेंक सकती हो तो फेंक दो। हम आज उसे देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जीवन का अंत क्या है और जीवन में बचता क्या है। दोस्तों, कहानी का अंत यही नहीं होता है, उसके बाद उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। इंद्र भी घबराया, समस्त इंद्रासन हिल गया, नर्तकियां घबरा कर उस सन्यासी के चरणों में गिर जाती हैं। दोस्तों, चूंकि मैं बसुका गांव में गया था, आप सभी इस बात से अवगत हैं, बसुका हमारे जिले का एक गांव है। रह गई दुनिया में, जहाँ कुछ नर्तकियों के मोहल्ले भी हैं, वहाँ नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है, और आरोप लगाया गया था कि वहाँ देह व्यापार भी होता है नृत्य संगीत के आड़ में। कई लोगों ने उल्टा सीधा कहा, कुछ लोगों ने इस तरह के धारदार कमेंट किए, जो जिसे सोच करके मैं भी असहज हुआ कि हमें जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए। तो अंत में बचता क्या है? माँ के गर्भ से लेकर अंतिम सांस लेने तक क्या अर्जित करता है मनुष्य, और उसे देखना क्या बाकी रह जाता है? आपके विचार विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं कि अंत में बचता क्या है और अंत में आदमी देखना क्या चाहता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। यदि इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपनी सहमति देंगे और यह बंदा इस प्रकार के तमाम वीडियो करने के लिए तत्परता दिखाएगा अपने दिलो दिमाग से, मनोमस्तिष्क से और संपूर्ण योगदान करने के साथ। ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार।